हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है जो इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर GDS ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर आवेदन करके 2024 में अपने गांव या जिले के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है कितने परसेंट आपके कक्षा 10वीं में है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज के बारे में बात करेंगे, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज परसेंटेज बताएंगे, कौन से राज्य में कम वालों का सिलेक्शन इस बार 2023 में हुआ, क्योंकि 2023 में तीन बड़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन हमको देखने को मिले थे। पहली बड़ी भर्ती थी आपकी साइकिल 5 की, और उसके बाद आपकी जो जनवरी के बाद वैकेंसी आई 12,828 पदों पर, वो स्पेशल ड्राइव की, और उसके बाद जस्ट एक महीने बाद मई के बाद जून के अंदर जुलाई के अंदर वैकेंसी आपकी आई शेड्यूल सेकेंड की, जहाँ पे 38,000 से भी ज़्यादा नंबर और वैकेंसियाँ आपको देखने को मिली। ओवरऑल कैलकुलेट करें तो तीन राउंड के अंदर इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है तो लगभग 80,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ ऑर्गेनाइज कराई गई थी। इस बार भी 2024 के अंदर आपको 1,40,000 तक की भर्तियाँ देखने को मिलेंगी। इस बार केवल JDS नहीं, यहाँ पे आपको MTS पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों पर भी भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम MTS पोस्टमैन और मेल गार्ड की भर्तियों की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका कट ऑफ बनेगा, मेरिट बनेगी, और उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन JDS के अंदर अभी भी वही सिस्टम है, सेम पुराना वाला, जहाँ पर आप लोग केवल जो है तो आवेदन करेंगे, और आवेदन करने के बाद आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट के बेसिस पर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कितने परसेंट अगर आपके हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले हमने दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लिया है कब तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा, किस वजह से आवेदन करने की डेट में देरी हो रही है। अगर अभी तक उस वीडियो को देखा नहीं है तो ये वीडियो जब खत्म हो रही होगी यहाँ पे एंड स्क्रीन के ऊपर लगा दिया जाएगा, तो क्लिक करके उसको जरूर देखें, उससे आपके मन में जितने भी डाउट इस वैकेंसी को लेकर होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पर भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। तो दोस्तों, इस वैकेंसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल पे जाकर www.naukrikhabar.com टाइप करेंगे, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। मुद्दे की बात पर आते हैं, जैसे कि हम बात करने वाले हैं कि आपका कितना परसेंट होना चाहिए तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा प्रोसेस के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी मेरिट कैसे बनती है। आपको पता होगा कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर 10th पास कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, जो नंबर मैनुअली डालते हैं उसी के बेसिस पे मेरिट आपकी बनती है, यानी कि आपको अपने हाथों से डालना होगा कि क्लास 10th में कौन से सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आए और टोटल कितना परसेंट हुआ। कोई भी मार्कशीट वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन नहीं होता, आप गलत भी डाल देंगे आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वहां पकड़े जाएंगे। तो गलती आपको नहीं करनी है, जो नंबर आपके हों वही डालना है। उस ऊपर से अगर गलती हो जाती है तो आपको फॉर्म में करेक्शन की डेट दी जाती है, 3-4 दिनों का समय मिलता है, उसके अंदर आपको फॉर्म में जो भी आपने गलती करी उसको सुधार लेना है, नहीं तो आप इस भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। तो गलती के साथ में बिल्कुल आपको आवेदन नहीं करना है। आपको पता होगा 10th के आधार पे आपकी मेरिट बनती है, लेकिन एक और चीज है, आपको यहां पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी देना होता है। मैं पहले बता दे रहा हूं डॉक्यूमेंट के बारे में ताकि आप लोग इसको बनवा लें। कंप्यूटर सर्टिफिकेट 60 दिनों का कम से कम होना चाहिए, कहीं से भी आप लोग बनवा सकते हैं, सभी अलाउ किया जाएगा, बस इतना है कि आपको कंप्यूटर यूज करना आता है, इसमें जो है तो यही साबित होगा। अभी हम आते हैं कि आप लोग कब से कब तक आवेदन कर पाएंगे, इस डेट को देख लीजिए, उसके बाद मेरिट पे आते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि 27 जनवरी तक आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, जिसकी आखिरी डेट 16 फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप लोग जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कितने परसेंट होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके 60% से ऊपर हैं तो आप आवेदन ज़रूर करें, चाहे आप जर्नल में आते हों, चाहे आप SC ST से हों, चाहे EWS से, चाहे OBC, चाहे PH कैंडिडेट हों, चाहे PWD कैंडिडेट हों, आपको आवेदन ज़रूर से करना है, क्योंकि कब किसकी किस्मत कहाँ से काम कर जाए कोई अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे कि ऐसे ऐसे राज्य भी है जहाँ पे 50, 55, 60 वालों का सिलेक्शन हुआ है, और ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पे 100 के नीचे मेरिट नहीं जाती। इन राज्यों में मुख्यतः आते हैं हरियाणा, दिल्ली, और साथ ही साथ यहाँ पे मध्य प्रदेश वगैरह आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे हमेशा हाई कट ऑफ होती है। अभी आप कहेंगे कि अगर यहाँ से हाई कट ऑफ है तो हमको आवेदन कहाँ से करना चाहिए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पर आपको टॉप 5 ऐसे राज्य बताएंगे जहाँ पर 2023 में कम परसेंट वालों का सिलेक्शन हुआ। लेकिन एक बात आपको नोटिस करनी है कि लोकल लैंग्वेज, अगर आपकी हिंदी लोकल लैंग्वेज है तो आप केवल हिंदी भाषी क्षेत्र में ही आवेदन करें, ताकि बाद में आपको कोई
दिक्कत वहाँ पर काम करने में ना हो, क्योंकि अगर आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी हुई और आपने तमिल से आवेदन कर दिया, मराठी से आवेदन कर दिया और वहाँ पर आपको आती नहीं है लैंग्वेज, तो आगे चल के आपको काम करने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। ट्रांसफ़र आपका हो जाता है लेकिन उसके लिए भी एक साल से ऊपर का समय लग जाता है, उसमें काफ़ी समय है, इसीलिए आपको जो है तो हिंदी भाषी क्षेत्र ही चुनना है। और अगर आपकी लोकल भाषा हिंदी नहीं है तो जो भी आपकी लोकल भाषा है उसको देख लीजिए कौन कौन से राज्य में वो बोली बोली जाती है, उस हिसाब से वहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको आवेदन ज़रूर से करना है, क्योंकि जनरल वालों का, EWS वालों का, OBC का कट ऑफ हमेशा से ज़्यादा रहा है, SC ST और PWD का कट ऑफ नीचे रहता है, यानी कि अगर 100 से लेकर जो है तो नीचे करेंगे 95 तक OBC EWS का और जनरल का है, तो 90 से 95 के बीच में SC ST का और PWD का, और नीचे 60 70 या 80 तक देखने को आपको मिल जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ऑप्शंस मिलेगा कि आप कहां कहां से अप्लाई करना चाहते हैं, तो किसी एक ऑप्शन पे टिक मत करिएगा, आपको प्रेफरेंस देना होगा, जहां पे नंबर के माध्यम से प्रेफरेंस देंगे 1-2 ऐसे आपको लिखना होगा। तो आपको काम करना है, आप जिस भी राज्य से आवेदन कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए वहां पे 50 जगह की वैकेंसी है, तो आपको 500 जगह जो है तो नंबरिंग कर देनी है, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 ऐसे कर करके, जहां पे आपका टॉप 5 जोन हो, जहां से आपको लगे सिलेक्शन हो सकता है, पहले वहां पे कर दीजिएगा। उसके बाद आंख मूंद के आपको 5 के बाद की नंबरिंग 50 तक कर देनी है। सारी प्रोसेस आपको आगे हम बताएंगे जैसे ही अप्लाई शुरू होता है। अभी के लिए ध्यान रख लीजिए कि बस अपनी मार्कशीट को रेडी करके रखिए, एक फोटोग्राफ रेडी करके रखिए और सिग्नेचर को रेडी करके रखिए, परसेंट की टेंशन आपको नहीं लेनी है। देखिए शुरू में जो लिस्ट आती है उसमें हाई परसेंट ही रहता है, क्योंकि कुछ बच्चे गलत जानकारी, फर्जी जानकारी डाल देते हैं, सेटिंग वाले बच्चे होते हैं, कोरोना वाले बच्चे होते हैं, कुछ तो मजा लेने के लिए डाल देते हैं, उनको नौकरी नहीं करनी होती, बस ये दिखाना होता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। ऐसे में मान लीजिए कि पहली लिस्ट में 40,000 की भर्ती आई और 40,000 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, इसमें से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार लोग सीरियस होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी 35,000 लोग यहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो असली मुद्दा शुरू होता है सेकंड लिस्ट यानी कि दूसरी लिस्ट से। दूसरी लिस्ट में भी थोड़ा हाई कट ऑफ होता है, आगे जैसे जैसे आपकी लिस्ट आती जाएंगी वैसे वैसे आपको जो है तो परसेंटेज के अंदर कमी देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कितने परसेंट आपके होंगे तो आवेदन करेंगे, बस एक मोटा मोटा आंकड़ा दे देते हैं पॉजिटिव साइन के लिए कि अगर आप लोग जर्नल UR से आते हैं तो अगर 70+ हैं तो ज़रूर आवेदन करें, अगर आप OBC या EWS से आते हैं, OBC के लिए 75+ रखना चाहूँगा क्योंकि OBC की तादाद बहुत ज़्यादा है, अगर आप EWS से आते हैं तो आप 70 ही मान के चले, क्योंकि जनरल वाले सभी EWS के बच्चे ही होते हैं, बस उनके पास सर्टिफिकेट होता है लेकिन 10th में नंबर उनके इतने ही होते हैं। इसके बाद अगर आप SC और ST से हैं 5% कम कर दें, 65 या 70 के आसपास या इसके बीच में अगर आपके हैं तो आवेदन करें, क्योंकि 5 या 6 लिस्ट आते आते नंबर आ सकता है। PWD से हैं 33% भी हैं तो भी आप आवेदन करें, क्योंकि PWD वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी होती है। इसके अंदर जो मेन पोस्ट होती है वो BPM की होती है, एक ब्रांच का हेड होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके अंदर में 2 काम करते हैं, ABPM और डाक सेवक, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। तो अगर आपको मौका मिले BPM की पोस्ट पर काम करने का तो BPM को जरूर सेलेक्ट करें, 10th पास जॉब रहेगी, ऑल इंडिया लेवल पर भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं टॉप 5 जोन कौन से रहें 2023 के अंदर जिनमें काफ़ी कम कट ऑफ गया, उसके लिए वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो के लिए 200 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आगे भी चाहिए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।